बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे अंडा बिरयानी। पतीले को हमने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। अब हमारे प्याज लाल कलर के हो चुके हैं और इसमें हम कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी मेथी डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। आलू और अंडे को पहले से हमने उबाला हुआ है। पहले हम इसमें अंडे डालेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। इसमें हम उबले हुए मटर डालेंगे। पांच मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे। अब इसे पांच मिनट हो चुके हैं और ये पक चुका है। हमने देगची को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें पानी डाला हुआ है और अब हम चावलों को उबालेंगे। पानी में हम नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब पानी उबल रहा है। चावलों को 2 घंटे पहले हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब हम चावलों को उबलते हुए पानी में डालेंगे। अब हम 15 मिनट तक चावलों को उबलने के लिए छोड़ देंगे। चावल उबल चुके हैं। अब हम चावलों का पानी निकाल लेंगे। चावलों का पानी हमने निकाल लिया है। इसे हम हल्की आंच पर पकाएंगे। अब हम इसमें उबले हुए चावल डालेंगे। एक बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी लिया हुआ है और इसमें हम जर्दे का रंग डालेंगे। अब हम जर्दे का रंग चावलों के ऊपर डालेंगे। अब हम चावलों को दम पर रखेंगे और चावलों को हम
5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। अब इसे 5 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे को हम बंद कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इसे आधा घंटा हो चुका है, चावलों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारी अंडा बिरयानी तैयार हो चुकी है।